देखिए रेल ठेके पर, तेल ठेके पर, सेना भी ठेके पर अग्निवीर जैसी, उसके बाद अब पुलिस भर्ती भी ठेके पर, अब सरकार को भी ठेके पर ही दे दो, मोदी जी योगी जी अडानी जी को दे दो, सीधा सीधा सा काम खत्म हो। क्या ये सरकार सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं दे सकती है? सारी चीजें संविदा पर रखेगी, सारी चीज ठेके पर रखेगी, सब जगह पर ठेका ही सिस्टम करेगी, और जहां पर भर्ती करनी होगी वहां पर पेपर लीक करा देगी। ये विश्वासघात है जनता के प्रति भी, ये विश्वासघात है बेरोजगारों के भी प्रति। इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार को भुगतना पड़ेगा। आदरणीय योगी जी, बेरोजगारों की आह मत लीजिए, वरना वो कबीर का दोहा है ना कि मुई खाल की स्वास से सार भस्म हो जाए। बहुत दुखद घटना है उस बिल्डिंग में आग लगना, 41 हमारे देश के सपूत वहां पर उनको काल कवलित हो गए हैं। सरकार को चाहिए कि उनके परिवार को पूरा का पूरा समर्थन दे, और 2 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा। वो मजदूर थे, देश के लिए वहां पर काम कर रहे थे, देश को विदेशी मुद्रा भेजते थे, देश में विदेशी मुद्रा के भंडार करने में अपना सहयोग करते थे, उन लोगों को कंपनसेशन 2 लाख से कहीं ज्यादा होना चाहिए। मैं 2 करोड़ तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उनका कंपनसेशन सामयिक होना चाहिए। 2 लाख रुपए आज की डेट में कुछ नहीं होते हैं। मोदी सरकार से हमारी अपील है कि उनका कंपनसेशन बढ़ाया जाए।